जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त सर्वेश, NIS फिजिकल बॉक्सिंग कोच। दोस्त आज हम लोग जिस वैकेंसी की बात करेंगे, RRB की वैकेंसी है। आप देख लीजिए, जैसे वेबसाइट मैंने ऊपर डाल रखा है वैसे वेबसाइट डाल के आप लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं RRB रेलवे इंट रिक्वायरमेंट ऑनलाइन 2020 की ये वैकेंसी है। और इसमें भी आपको वेबसाइट दिख जाएगा, www. करके वेबसाइट इसमें भी है, यहाँ से भी ले सकते हैं। और यहाँ पे रीड मोर पे जब क्लिक करेंगे हम, तो आगे पूरी इसकी प्रक्रिया खुल के आपके सामने आ जाएगी। एक एक प्रक्रिया इसलिए बताते चल रहा हूँ, RRB रेलवे रिक्वायरमेंट की ये प्रक्रिया होगी। आप देख सकते हैं www. वेबसाइट भी दिया है, इस वेबसाइट से जाके भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी मैं लिंक में भी इसका वेबसाइट दूंगा। इसमें बात करेंगे कि कब कब और कहाँ कहाँ से वैकेंसी निकल के आई है, और इसकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कौन कैटेगरी के बच्चे इसमें वैकेंसी दे सकते हैं, SC ST OBC को छूट मिलेगी या नहीं। तो इसमें बात कर लिया जाए, जो पोस्ट नेम है तो सीनियर इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर क्लर्क, हॉस्पिटल अटेंडर, उसके बाद सफाई वाले यानी ग्रुप डी के लिए यहाँ वैकेंसी निकल के आया है। यानी आप लोग को इसमें ग्रुप डी की भी वैकेंसी मिलेगी। ओवरऑल इंडिया की ये जॉब है, मेल और फीमेल दोनों यहाँ फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो इसमें महिलाओं को अलग से भी छूट मिलेगी, जो इसकी सैलरी रहेगी 9,300 से लेके 34,800 तक की इसकी सैलरी रहेगी। बहुत सारे इसमें HRA भत्ते, हाउस रेंट, बहुत सारे रेंट इसमें जुड़ेंगे। इसके अलावा ऑल जो ओवर कैंडिडेट हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं होगी। एज की बात कर लिया जाए, 18 से 52 वर्ष की एज होगी। 1 अगस्त 2020 को एज की गणना की जाएगी। इसमें SC ST OBC को नियमानुसार छूट मिलेगा, SC ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की जो छूट मिलती है वो प्रॉपर मिलेगी इस वैकेंसी में भी। इसके अलावा जो वैकेंसी है साउथ सेंट्रल रेल की, ये वैकेंसी है साउथ ईस्टर्न रेल की वैकेंसी है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चार्ज फिजिकल नहीं होगा, केवल और केवल इसमें रिटर्न टेस्ट होगा। इसके अलावा जो आपको चाहिए, फ़ोटो और आपके सिग्नेचर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है। हाई स्कूल 12वीं और ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप फॉर्म को पूर्णतः रिवीजन कर लीजिएगा, रिवीजन करने के बाद इस फॉर्म को फिलअप ज़रूर करिएगा। इसके अलावा और भी अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो एज क्वालिफिकेशन थी आपको बता ही चुका था, और लास्ट डेट फॉर सबमिट ऑफ एप्लीकेशन के लिए 26 सितंबर 2020 दिखा रहा है, और डेट ऑफ एग्ज़ाम अवेलेबल अभी नहीं है। अभी यानी आपके पास 3 दिन बचा हुआ है, आप फॉर्म को अभी भी फिलअप कर सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है आपके पास उपलब्ध है, वहाँ से जाके आप फॉर्म देख के इसके फॉर्म को फिलअप ज़रूर कर लेंगे। इसके अलावा जो कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे उनके पास 6 माह के अंदर की जात और निवास सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अधिक पसंद आया हो, तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।